International Women's Day is celebrated on March 8 every year. It is a focal point in the movement for women's rights after the Socialist Party of America organized a Women's Day on February 28, 1909 in New York. The 1910 International Socialist Women's Conference suggested a Women's Day be held annually. In this regard, the USP Center for Advanced Studies in Energy of NUST organized a panel discussion session to discuss the topic of women empowerment. The chief guest of the event was GM PTB Home Farkanda Shaheen. While talking to University Times, she shared, देखिए ये भी इंजीनियरिंग का कोई मैकेनिकल सा एक इनका सब्जेक्ट है और कितना अच्छा ह्यूमन टच है इसमें और ये सब बच्चों को अवेयरनेस आनी चाहिए. यही सोसाइटी बनाएंगे आगे जाके, यही आगे फ्यूचर है पाकिस्तान का. तो तमाम यूनिवर्सिटीज़ में इस तरह होना चाहिए, कॉलेजेस में होना चाहिए. देखिए जो आप लोग यंग लोग जब अवेयरनेस फैलाते हैं उसकी बात और होती है, मगर अब हमारा तो ज़्यादा जो हम कर सकते थे वो कर लिया, मगर अब आप लोगों का टाइम है, आप लोगों ने करना है. इस पाकिस्तान की सोसाइटी को बेहतरीन से बेहतरीन बनाना है. डॉक्टर हिना हुसैन काजमी, डिप्टी प्रोजेक्ट डायरेक्टर एट USP CASE, एक्सप्लेन्ड अबाउट द फीमेल एनरोलमेंट इन द एनर्जी स्टडी एरिया एंड इट्स इंक्रीजिंग एनुअली. 8 मार्च इंटरनेशनल वीमेंस डे होता है. आज का जो प्रोग्राम था ये इसी की एक कड़ी थी कि हम ये बात करना शुरू करें और डिस्कशन खोलें और कुछ फूड फॉर थॉट छोड़ें यंगस्टर्स में भी और अपनी बाकी जो गेस्ट थे हमारे उनके अंदर भी, और इम्पॉर्टेंस ऑफ वेमेन एम्पावरमेंट एट दिस टाइम इन पाकिस्तान. जो पाकिस्तान के इस वक्त हालात हैं, जिस तरफ हम जा रहे हैं, उसमें बहुत ज़रूरी है कि ये 51% हमारी आबादी जो है वो शरीक हो और कॉन्ट्रीब्यूट करें. वो कंट्रीब्यूशन होम मेकर बन के भी हो सकता है और वो कंट्रीब्यूशन एक प्रोफेशनल बन के भी हो सकता है. तो इन्हीं चीज़ों को अनफोल्ड करने के लिए आज हमने सीनियर प्रोफेशनल भी बुलाए थे और यंग प्रोफेशनल भी बुलाई थी, ताकि और एक बहुत यंगस्टर हमारी अपनी नस्टियन भी थी. सो वी ऑल टॉक्ड अबाउट व्हाट जेंडर इक्वालिटी इज़ एंड जेंडर इक्विटी इज़ एंड व्हाट वुमेन एम्पावरमेंट इज़. मोहतरमा शमीम अकरम उल हक, वन ऑफ द पायनियर इन उर्दू जर्नलिज्म, एक्सप्रेस्ड हर थॉट्स. आज के दिन के हवाले से तो मैं ये कहना चाहूँगी कि तकरीबन मेरी अपनी ज़िंदगी में मुझे ये दिन मनाते हुए 35-40 साल तो हो ही गए होंगे, और मैं दिन ब दिन देखती हूँ कि इसमें तब्दीली आ रही है. लड़कियाँ हम ज़्यादा से ज़्यादा देख रहे हैं एजुकेशन में भी, जॉब में भी, और ये बड़े अच्छा साइन है. लेकिन जहाँ तक इक्वल राइट्स का ताल्लुक है, अभी तक मैं उससे मुतमइन नहीं हूँ. मैं नहीं समझती कि अभी तक कुछ हमने इसमें हासिल किया है, हालांकि हमारा मज़हब, हमारा मुल्की कानून दोनों हमें देते हैं. और मैं उम्मीद करती हूं कि इंशाल्लाह ताला ये जो नई हुकूमत आई है शायद शायद ये कुछ कर सके औरतों के लिए. हमना आमिर, यंग एंड टैलेंटेड स्टूडेंट ऑफ NUST, वाज द मॉडरेटर ऑफ द सेशन. व्हाइल टॉकिंग टू यूनिवर्सिटी टाइम्स शी सेड, I think that the event was wonderful and it was held on 8th March, Women's Day, so it was a cause for celebration. And I think the message that was given to the audience, to the men as well as to the women, it was very educating. A lot of students were saying we need more discussions like this. They were saying that there should be a sequel. We inshallah hope to hold one in April again. And the speakers who came, they were very experienced. As you can see, they were like above 60, 70. They have years of experience dealing with this, with household issues as well as issues in the corporate sector. So their insight on how things should be managed was like really educating, even for me. Even though I'm a feminist, I regularly study these things, but I learned a lot today. And it was overall wonderful experience. The panel discussion was closed with the question and answer session from the audiences and the souvenir distribution from the USP CASE management. USP Center for Advanced Studies of NUST celebrated the International Women's Day with the marvelous speakers. If you want to watch more interesting news, then visit us at universitytimes.pk. And if you want us to cover your university events, then feel free to contact us. This is Samia Adnan signing off from University Times, Islamabad.